फिलहाल मस्त अपना गर्मा गर्म पनीर मसाला मैगी बनके रेडी है, जस्ट हैव अ लुक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा आज का दिन बहुत ही अलग सा हो रखा है, बहुत ही मतलब पता है क्या, हेडेक सा हो रखा है। फिलहाल अभी जस्ट हो रहा है सुबह के 11:30 एंड आज ना ब्लॉग स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। एंड पता है लेट क्यों हो गया? एक तो ना मैं उठा ही आज 9 बजे, मतलब कल रात को ब्लॉग मतलब अपलोड करते करते ना भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, 3:30 बज गए थे। एंड उसके बाद मैं सोया तो भाई सुबह 9 बजे उठा, एंड जैसे ही मैं उठा ना मुझे ना हल्का हल्का हेडेक सा फील हुआ। एंड हेडेक सा फील हुआ इस वजह से ना भाई पता है क्या, मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं। मतलब मैं उठा, उठने के बाद भाई मैंने ब्रश किया, नहाया, उसके बाद मैंने ना ही अभी तक चाय पिया है, ना ही नाश्ता किया है, कुछ नहीं। भाई हेडेक था इस वजह से ना, मैंने अभी एक पेन किलर लिया है एंड अभी हल्का हल्का मतलब अच्छा लग रहा है ना, इस वजह से मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट करने का सोचा। नहीं तो भाई अगर हेडेक अभी भी रहता ना तो मैं तो आज ब्लॉग करने ही नहीं वाला था फिर तो। बट हाँ कोई नहीं, फिलहाल अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो चलते हैं यार, मस्त गर्मा गर्मा अदरक वाला चाय बनाते हैं, अदरक वाला चाय इन्जॉय करते हैं। बिकॉज यार पेन किलर लेने के बाद ना अदरक वाला चाय हेडेक में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो हाँ कोई नहीं, फिलहाल चाय वाय बनाते हैं, चाय वाय इन्जॉय करते हैं भाई। फिलहाल अभी जस्ट मैं जा रहा था मस्त गर्मा गर्म अदरक वाला चाय बनाने, बट मम्मी बोल रही है ना कि भाई पहले ना चाय वाय मत बना, पहले नाश्ता वास्ता कर ले, उसके बाद चाय वाय बनाना तो मम्मी भी पियेंगी। तो हाँ अभी ना मैं जा रहा था मस्त नाश्ता करने मम्मी के ऑर्डर पे, बट भाई रोटी वोटी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी ना हम चलते हैं फटाफट से दुकान, मस्त मैगी लेके आते हैं, मस्त गर्मा गर्म मैगी वैगी बनाते हैं। घर में ना पनीर भी पड़ा हुआ है तो मस्त गर्मा गर्म पनीर मैगी बनाएंगे एंड मैगी इन्जॉय करते हैं भाई। फिलहाल मैगी वैगी लेके मैं घर पे वापस आ चुका हूँ। तो हाँ अभी ना फटाफट से सारे इंग्रेडिएंट्स काटते हैं, प्याज टमाटर मिर्चा, एंड फटाफट से मस्त गर्मा गर्म पनीर मैगी बनाते हैं भाई। फिलहाल मस्त अपना गर्मा गर्म पनीर मसाला मैगी बनके रेडी है, जस्ट हैव अ लुक। भाई साहब मस्त गर्मा गर्म मैगी बन चुका है, मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो भाई फटाफट से ना अभी मस्त गर्मा गर्म मैगी इंजॉय करते हैं भाई। फिलहाल मैगी के बाद मस्त अपना गर्मा गर्म चाय भी आ चुका है एंड चाय पीने में ना मुझे छोटी मम्मी सब कंपनी दे रहे हैं। तो अभी ना मस्त गर्मा गर्म चाय इंजॉय करते हैं, नहीं तो चाय ठंडा हो जाएगा भाई। फिलहाल अभी जस्ट हो चुके हैं 6:00, आप टाइम चेक कर लो। एंड पता है क्या भाई साहब, चाय वाय पीने के बाद ना मैं कुछ देर दुकान पे बैठ गया था एंड अभी जस्ट मैं दुकान से फ्री हुआ। एंड जैसे ही मैं फ्री हुआ ना भाई, तरबूज वाले भैया तरबूज लेके मतलब बेचने के लिए तरबूज लेके आए, ठीक है। एंड तरबूज देखते ही भाई मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ना तरबूज ले लिया, मैंने क्या पापा ने तरबूज ले लिया, ठीक है। एंड अभी ना चलते हैं तरबूज को मतलब काटते हैं एंड इन्जॉय करते हैं भाई। एंड हाँ एक चीज़ और भाई, तरबूज वरबूज तो चलता रहेगा अपना, बट भाई साहब आज 18 तारीख एंड आज चेन्नई वर्सेज RCB का मैच है, मतलब फुल ऑन इन्जॉयमेंट, फुल ऑन मस्ती, मज़ा बहुत आने वाला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पता नहीं है, बस भाई साहब वेट है ना कि चेन्नई वर्सेज RCB है। तो RCB के फैंस भाई मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, कमेंट में कोई अलग मतलब उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, भाई मैं चेन्नई का सपोर्टर हूँ तो चेन्नई को जिताने के लिए भाई कुछ भी कर सकता हूँ। तो हाँ कोई नहीं, फिलहाल आई होप कि चेन्नई जीत जाए, बट देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी ना तरबूज इंजॉय करेंगे हम, जस्ट लुक एट दिस टेस्टी सा मीठा मीठा सा तरबूज। तो अभी ना फटाफट से तरबूज इंजॉय करते हैं भाई। फिलहाल अभी जस्ट हो चुके हैं 9:30 एंड भाई साहब पता है क्या, तरबूज वरबूज खाने के बाद ना मैं कुछ देर बाहर बैठ गया था, कुछ अंकल जी लोग और कुछ भैया लोग आए हुए थे उन्हीं लोग के साथ में। एंड अभी जस्ट मैं फ्री हुआ, मस्त दुकान को बंद किया एंड अब मैं जा रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा है ना चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, ताकि पे जो मर्जी करो, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड नाइट। मुझे छोटी मम्मी सब कंपनी दे रहा है, तो अभी ना मस्त गर्मा गर्म